वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जनरली तो हमें पता होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 206 बोन्स हड्डियाँ होती हैं, बट मोस्टली हम कन्फ्यूज होते हैं कि उसमें से कौन सी बोन्स का डिवीजन कैसे है। कुछ पर्टिकुलर बोन्स के फ्यूजन से बनती हैं, बट हम उन्हें सिंगल बोन ही काउंट करते हैं, वो चीज़ हमें देखनी है। कुछ बोन्स बॉडी में फ्रीली अवेलेबल होती हैं, जैसे ईयर ऑसिकल्स की बोन हो गई, हायर्ड बोन हो गई, वो उनका अरेंजमेंट कहाँ आएगा, उन्हें किस बोन्स का किस कैटेगरी के अंदर काउंट करना है, ये चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ जान लेते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम को हम सिर्फ ये समझते हैं मोस्टली कि ये बोन्स से बना हुआ है, बट इट इज़ रॉन्ग। जो हमारा बॉडी का ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो फ्रेमवर्क ऑफ बोन, जो हम स्केलेटल को देखते हैं वो, प्लस फ्यू कार्टिलेज, ये दोनों इंक्लूड करके हम स्केलेटल सिस्टम को डिफाइन करते हैं। अब बोन्स क्या है और कार्टिलेज क्या है? बोन्स जो हमें हार्ड मैट्रिक्स के तौर पर दिखती है, उनका मैट्रिक्स हार्ड होता है जिसलिए वो सॉलिडिफाई होती हैं। कार्टिलेज क्या है? उनके अंदर भी मैट्रिक्स होता है लेकिन उनका मैट्रिक्स सॉफ्ट पैलिएबल होता है, और उसका रीज़न क्या है? कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे ह्यूमन स्केलेटल के अंदर 206 बोन्स है उनका डिवीजन कैसा है। उनका मोस्ट जो 206 बोन्स है वो मेन टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक होती है एक्सियल स्केलेटन, दूसरी होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या है? जो हमारी बॉडी का एक्सिस को डिफाइन करती है। बॉडी का एक्सिस जो सेंटर पार्ट होता है, जैसे कि स्कल हो गया, फिर स्टर्नम और रिब्स केज और वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी बॉडी के एक्सिस को डिफाइन करती है। मीन्स एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन आ जाएंगी? स्कल की 29 बोन, 29 बोन, स्टर्नम की 1 सिंगल बोन जो कि सिंगल एक फ्लैट बोन होती है, रिब्स की 12 पैर 24 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम की 26 बोन। आगे हम वीडियो में इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, बट अभी हम जनरली इनका डिवीजन देख लेते हैं कि जो 80 बोन्स है एक्सियल स्केलेटन में वो कैसे डिवीजन हुआ है उनका। 29 प्लस 1 30 प्लस 24 प्लस 26 टोटल 80 बोन्स। अब जो बची हुई बोन्स है 126 बोन, वो हमारे आती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या? जो बॉडी के एक्सिस पे तो नहीं है बट एक्सिस से जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमारे फोर लिम्स, हाइंड लिम, पेक्टोरल गिडल मीन्स शोल्डर वाली बोन्स, पेल्विक गिडल, हिप बोन्स, और ये इनका डिवीजन क्या है इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। फोर लिम्स में 60 बोन्स कैसे? राइट में राइट फोर लिम्स 30 बोन्स, लेफ्ट फोर लिम 30 बोन्स, टोटल 60 बोन्स। इसी तरह राइट हैंड लिम 30 बोन्स, लेफ्ट हैंड लिम 30 बोन्स, टोटल 60। पेक्टोरल गिडल में भी राइट और लेफ्ट, और पेल्विक गिडल में भी हम, जो पेल्विक गिडल में दो बोन्स है वो मोस्टली कई बोन्स की फ्यूजन से बनती है, बट उन्हें हम काउंट करते हैं सिंगल बोन्स राइट साइड में, लेफ्ट साइड के सिंगल है बोन्स, टोटल 2 बोन्स। अब हम स्कल को डिटेल में देखते हैं कि स्कल में 29 बोन्स का डिवीजन कैसे हुआ है, जिसमें क्रेनियम के पास 8 बोन होती है, क्रेनियम जो ब्रेन की कवरिंग है, फेशियल बोन्स 14 है, ईयर ऑसिकल में 6 बोन्स होती है, 3 राइट साइड 3 लेफ्ट साइड, और एक हायर्ड बोन। मोस्टली जो ईयर ऑसिकल और हायर्ड बोन है ये डायरेक्टली तो बॉडी की जो स्केलेटल सिस्टम से अटैच नहीं होती बट एसोसिएट होती है। हायर्ड बोन को हम और ईयर ऑसिकल को स्कल के अंदर ही काउंट कर लेते हैं। अब हम फर्स्ट देखते हैं क्रेनियम की 8 बोन का डिवीजन कैसे हुआ है। फ्रंटल, टेम्पोरल, पराइटल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड, जिसमें हमें ये याद रखना है कि जो टेम्पोरल और पराइटल बोन है वो पैर में होती है, यानी 2-2 होती हैं, बाकी फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड और इथमॉइड बोन सिंगल सिंगल होती हैं। आगे हम डायग्राम में डिटेल में देखेंगे। क्रेनियम बोन 8 है, टेम्पोरल पराइटल 2-2, बाकी फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड सिंगल सिंगल, टोटल 8 बोन हो गई। फेशियल बोन 14 है, जिसमें हमें ये याद रखना है कि नजाल, मैग्जिला, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, लैक्राइमल, इन्फीरियर टर्बिनल, ये बोन्स 2-2 हैं, और बची हुई मैंडिबुलर और वोमर सिंगल सिंगल हैं। एक बार और देख लेते हैं फेशियल बोन को, नजल, मैग्जिला, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, लैक्राइमल, इन्फीरियर टर्बिनल कंटेन 2-2 बोन्स, मैंडिबुलर एंड वोमर कंटेन सिंगल बोन्स। ईयर ऑसिकल में 6 बोन्स है, राइट में 3 बोन्स, लेफ्ट में 3 बोन्स, जिसमें हमें पता है मेलस, इनकस, स्टेपेस, एक राइट साइड में 1 मेलस, 1 इनकस, 1 स्टेपेस, 3 बोन हो गई, लेफ्ट में भी, लेफ्ट ईयर ऑसिकल में भी 3 बोन है, टोटल 6 बोन। हायर्ड बोन एक यू शेप की बोन होती है जो कि किसी भी स्केलेटल सिस्टम पे अटैच नहीं होती, बट हम ईयर ऑसिकल और हायर्ड को एसोसिएट मानते हैं, मीन स्कल के अंदर ही उनको इंक्लूड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम फिगर 20.6
एनसीईआरटी के डायग्राम है जिसमें स्कल और फेशियल बोन की लेबलिंग की गई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि फ्रंटल बोन सिंगल है, पैराइटल और टेम्पोरल पैर में अवेलेबल है, ऑसिपिटल बोन, स्पिनॉइड बोन, इथमॉइड बोन सिंगल सिंगल है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिब स्केच पे। तो जो हमारा रिब स्केच है वो रिब्स की बोन और स्टर्नम से बना होता है। स्टर्नम एक सिंगल फ्लैट बोन है जो वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी के प्रेजेंट होती है। अब बॉडी का वेंट्रल और डॉर्सल साइड आपको पता होना चाहिए। जो हमारे बॉडी के फेस वाला साइड है वो ह्यूमन बॉडी का फ्रंटल साइड होता है, जो हमारी बैक वाला साइड है वो डॉर्सल साइड है। जो स्टर्नम एक सिंगल फ्लैट बोन है हमारी बॉडी के वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है, और जो रिब्स केज की बोन्स हैं वो स्टर्नम में अटैच होती हैं। रिब्स की 24 बोन्स हैं, ये मीन्स 12 पैर। डायग्राम में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो 1 2 3 4 5 6 7 सेवन पेयर ऑफ जो रिब्स है वो ट्रू रिब्स है। अभी ट्रू रिब्स इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच है, मींस सेवन पेयर, इसलिए बोलते हैं राइट साइड में सेवन, लेफ्ट साइड में सेवन, टोटल 14 सेवन पेयर और 14 ट्रू रिब्स हो गए। फिर जो 8 9 10 पैर जो है उनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं, ये रिब्स जाके सेवन पैर वाले रिब्स पे अटैच होती है, जो कि उसे स्टर्नम पे अटैच करती है, डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही, इसलिए हमें इन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं। थ्री पैर है मीन्स 6 फॉल्स रिब्स। उसके बाद हमारे पास टू पैर होती हैं जो कि फ्लोटिंग रिब्स होती है, कौन सी 11 एंड 12। इन्हें फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टर्नम से अटैच ही नहीं होती हैं, बॉडी में फ्री होती हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं वर्टिबल कॉलम को। वर्टिबल कॉलम के अंदर टोटल 26 बोन है, इनका डिवीजन कैसे हुआ है, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लुम्बर 5, सैक्रल 1, जो कि 5 बोन की फ्यूजन से बनती है, बट हमें इसे काउंट सिंगल बोन ही करना है। कॉकिजियल 1 बोन, ये भी 4 बोन की फ्यूजन से बनती है, बट हमें इसे काउंट सिंगल बोन करना है। डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ऊपर जो हमारे नेक के अंदर बोन होती है सर्वाइकल वर्टिब्री, फिर थोरेसिक वर्टिब्री, फिर लुम्बर वर्टिब्री, सैक्रल, लास्ट में कॉकिक्स। हमें अच्छे से याद रखना है 7 12 5 1 1, टोटल 26 बोन। एक बार और, सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लुम्बर वर्टिब्री, सैक्रम एंड कोकिक्स। और हमें यहाँ अच्छे से याद रखना है कि जो सैक्रल बोन है वो सिंगल बोन है, बट वो 5 बोन के फ्यूजन से बनी हुई है, और जो कोकिक्स बोन है वो एक सिंगल बोन है बट 4 बोन के फ्यूजन से बनी हुई है। हमने एक्सियल स्केलेटन को अच्छे से पढ़ लिया, अब हम चलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पे, जिसमें फोर लिम, हाइंड लिम, पेक्टोरल गिडल एंड पेल्विक गिडल है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर लिम्स की बोन्स को। हमें पता है कि हमारे पास 2 फोर लिम्स हैं, तो उनके अंदर बोन्स का डिवीजन कैसे हुआ है। हम एक फोर लिम को देखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास दोनों फोर लिम्स के अंदर टोटल बोन्स का वैल्यू आ जाएगी। एक फोर लिम के अंदर 1 ह्यूमेरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पल्स ब्रिस्ट बोन, 5 मेटाकार्पल्स जो कि पाम बोन है अपनी, एंड 14 फेलेंजेस जो फिंगर की बोन्स होती हैं। टोटल काउंट करेंगे तो 30 बोन्स होगी, यानी एक फोर लिम में 30 बोन्स, मींस दोनों फोर लिम्स के अंदर 60 बोन्स। एक बार हम फिर देखते हैं, आप डायग्राम को साथ में देखते हुए चलेंगे। ह्यूमेरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फेलेंजेस 14, मींस 1 फोर लिम 30 बोन्स, 2 फोर लिम 60 बोन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइंड लिम को। जब हाइंड लिम को हम पढ़ते हैं, हमें हाइंड लिम को फोर लिम से कंपेयर करके ही पढ़ना है, क्योंकि हमें वहां पे ये चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे हाइंड लिम के अंदर एक बोन एक्स्ट्रा आ जाती है पटेला, तो फिर भी 60 बोन कैसे। यहाँ पे हमें कंपेयर क्या करना है, फोर लिम के अंदर कार्पल 8 है बट हाइंड लिम के अंदर टार्सल 7 है, और एक पटेला वाली बोन जो एक्स्ट्रा बढ़ गई है। एक हाइंड लिम की बोन को हम काउंट करते हैं, फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फिब्यूला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फेलेंजेस 14, टोटल 30 बोन एक हाइंड लिम में, मींस दोनों हाइंड लिम में मिला के 60 बोन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं गिडल वाली बोन, जो कि हमारी शोल्डर और हिप वाली बोन है। पेक्टोरल गिडल शोल्डर बोन, पेल्विक गिडल हिप बोन। पेक्टोरल गिडल के अंदर 4 बोन्स है, राइट साइड में 2 बोन, लेफ्ट साइड में 2 बोन्स, शोल्डर वाली बोन्स। राइट साइड में एक स्कैपुला, एक क्लेविकल, क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। लेफ्ट साइड में एक स्कैपुला, एक क्लेविकल,
दो राइट साइड में हो गए, दो लेफ्ट साइड में, टोटल फोर बोन्स। पेल्विक गर्डल यानी हिप वाली जो बोन है वो दो है, ये दो हिप बोन्स हैं और एक हिप बोन, तीन हिप बोन के फ्यूजन से बनती है, और वो कौन सी है, इलियम, इशियम, प्यूबिक्स, बट हम उन्हें एक सिंगल बोन ही काउंट करते हैं। राइट साइड हिप के एक बोन, लेफ्ट साइड वन बोन, टोटल टू बोन, और जो एक बोन है वो तीन अदर बोन्स के फ्यूजन से बनी हुई है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।